हेलो गाइस, तो एक बार फिर से आप सब लोगों का गिनार पे स्वागत है। तो होप करते हैं आपने वो लास्ट वाली वीडियो गिनार पे जाने वाली देखी होगी। अगर नहीं देखी तो अभी जाइए और देखिए और बाद में इधर आइए। थैंक यू। तो अभी हम लोगों ने कुछ नाश्ता किया, मैगी खाई और कुछ पकोड़े खाए। अभी टाइम हुआ था 10:15 बजे थे, तो अभी इधर से आगे जाने का टाइम हो गया है। तो अभी चलते हैं आगे। और अभी जो आप ये देख रहे हैं, ये है रोपवे के लिए वेटिंग एरिया। तो इधर सब लोग जो कि रोपवे में वापस जाना चाहते हैं वो इधर बैठ के वेट करते हैं। तो अभी हमें जाना है अंबाजी से आगे, और अंबाजी से दत्तात्रेय तक आपको 5000 सीढ़ियाँ काटनी है। तो अभी ऐसा है कि कुछ मुश्किल, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, क्योंकि उतरना चढ़ना और उतरना चढ़ना ही है। तो जैसे हम अंबाजी तक पहुँचे कि सिर्फ चढ़ना ही था, ऐसा नहीं है। तो अभी हम पहुँचे हैं अंबाजी और गुरु गोरखनाथ टूक के बीच में। इधर ऐसा है कि ये दो पहाड़ के बीच में सीढ़ियाँ बनी हुई है, भाई कमाल है। ऐसा आर्किटेक्चर बरसों पहले कैसे बना होगा, जब कोई साधन सामग्री नहीं थी। तो दोनों साइड खाई है, मतलब बीच में ही सीढ़ी है। तो अभी चलते हैं गुरु गोरखनाथ टूक की ओर। तो अंबाजी से गुरु गोरखनाथ तक जाने के लिए कुछ शायद 300-400 सीढ़ियाँ आगे बढ़ना था, पर इधर से भी व्यू एक नंबर था, क्योंकि ये जो अब हम जा रहे हैं जो गुरु गोरखनाथ टूक की ओर, ये टूक है इधर, मतलब जो हाईएस्ट पॉइंट है, मतलब इधर से आगे वापस हमको नीचे उतरना होगा। तो इधर दो मंदिर थे और आगे गुरु गोरखनाथ के चरण पादुका भी थे, तो हम इधर दर्शन करेंगे। अभी ये है कुछ पाप पुण्य की बारी, मतलब इसमें से जब हम निकलते हैं और दूसरी साइड जाते हैं तो ऐसा होता है कि हमारे कुछ पाप कम हो जाते हैं। तो अभी इधर से सब लोग जा रहे थे तो हमने भी ट्राई किया। इधर बहुत छोटी सी जगह है कि हम सोते हुए निकल पाते हैं, मतलब अभी हम इसमें से निकले तो हमको मालूम है कि हमने कुछ पाप तो किए ही होंगे। और जो भी कोई भी निकल रहा है तो सबको मालूम है कि कुछ ना कुछ पाप किए हैं, इसीलिए इधर से निकलते हैं। जो पाप नहीं करता है उसको तो मालूम ही, हमें इसमें से निकलने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। तो ऐसा जब तक बना रहे तब तक अच्छा है। तो अभी हम आगे इधर से देखते हैं कि इधर से लोग उतर रहे थे, इधर से आगे सब उतरना स्टार्ट होता है। और ये जो सामने देख रहे हैं वो है भगवान दत्तात्रेय की टूक। तो अभी जो साइड में सब जो पहाड़ देख रहे हैं उनमें से कई को ऐसा भी बोला जाता है कि वो नवनाथ टूक है, मतलब नौ टूक है जो हाईएस्ट हिली एरिया पे है, जहाँ पे सब कोई ऋषि अपनी तपस्या करते हैं। तो ये है भगवान दत्तात्रेय, जहाँ हमें अभी उनके दर्शन के लिए पहुँचना है। इधर से हम व्यू देख के थोड़ी देर तो अचंभित ही रह गए, क्योंकि बहुत बढ़िया नज़ारा था, कुछ शांत था और हवा तो भाई बहुत चल रही थी, क्योंकि इतनी पतली और ठंडी हवा थी कि आपको 2-5-10 मिनट में तो खांसी लगवा दे, बहुत ही ठंडी हवा थी, चल रही थी, मतलब आपको आवाज़ भी सुनाई रही है। तो अभी हम उतरना स्टार्ट करते हैं। तो इधर कुछ ऐसा है कि उतरना बहुत हार्ड नहीं लगता है अभी हम, क्योंकि इतना चढ़ के आए हैं तो थोड़ा पैर कांपते हैं इसीलिए हम, और थोड़ा आराम से चलते हैं कि वो पैर स्लिप करने का भी डर रहता है। तो अभी सब लोग, कई लोग ऐसे थे कि वो सामने से आ रहे थे, वो दर्शन करके भी आ गए थे, अभी हम उतर रहे थे। तो चलते हैं आगे हवा के साथ साथ। तो अभी हम जब जूनागढ़ से देखते हैं कि हमको कहाँ तक जाना है, तो हम कुछ अंबाजी तक ही देख पाते हैं, क्योंकि वहाँ से वही व्यूएबल है। तो अभी जब हम गोरखनाथ टूक तक पहुँचते नहीं है तब हमको मालूम भी नहीं रहता है कि इधर के पीछे भी दत्तात्रेय भगवान के लिए
हमको टूंक तक उतरना और चढ़ना है। तो अभी हम पहुंचे हैं दत्तात्रेय भगवान के द्वार तक। तो इधर से हमको उतरना ख़त्म करके अभी चढ़ना स्टार्ट करना था। तो अभी इधर कुछ दो गेट बने हुए हैं, एक जाता है भगवान गुरु दत्त द्वार लिखा है, और दूसरा जो द्वार है वो है कमंडर कुंड द्वार। तो अभी हम जाएंगे गुरु दत्त द्वार की ओर। इधर से हम शायद अभी बजे हैं 11 बज गए हैं, तो अभी हम चढ़ना स्टार्ट करेंगे, तभी हम 11:30 या 12:30 बजे तक वापस उतर पाएंगे। और इधर हम वापस रिटर्न में जाते हैं कमंडर कुंड की ओर। तो अभी हम चढ़ना स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि जब हम चढ़ के उतरे हैं तो अभी पैर कुछ नॉर्मल होने लगे थे, पर अभी वापिस चढ़ना स्टार्ट हो गया है। और सीढ़ियाँ भी इतनी सीधी है कि चढ़ना भी थोड़ा थोड़ा मुश्किल होता था। तो क्या है कि अभी तो ऐसा लग रहा था कि हर स्टेप्स पे थोड़ा रेस्ट लेना पड़ेगा, मतलब ऊपर देखते हैं तो मुँह पूरा सीधा करना पड़ता है कि ऊपर की ओर देखने के लिए। पर आज आए हैं तो भगवान दत्तात्रेय के दर्शन करके ही लौटेंगे, वही डिसाइड किया था। तो अभी वो करने के लिए हम बहुत नज़दीक पहुंच गए। तो इधर से कुछ कम ही सीढ़ियाँ हैं, 500-700 सीढ़ियाँ रही होंगी। तो अभी हम फाइनली पहुंच चुके थे भगवान दत्तात्रेय के द्वार पे। तो अभी इधर से आगे कैमरा अलाउड नहीं है, तो अभी हम दर्शन करते हैं और बाद में आपको बताते हैं। तो अभी हमने अच्छे से भगवान दत्तात्रेय के दर्शन किए, तो आपको अंदर का दिखा नहीं पाया, पर बोल सकता हूँ कि अंदर भगवान दत्तात्रेय की मूर्त है, और आप उनको चारों तरफ से प्रदक्षिणा करके बाहर निकलते हैं, मतलब सीढ़ियाँ ही डायरेक्ट अंदर जाती है। तो अंदर भगवान दत्तात्रेय की मूर्त के पीछे एक छोटी सी गुफा है, वो आपको दिखेगी कि उधर भगवान शंकराचार्य जी ने तपस्या की होगी शायद, क्योंकि उधर लिखा था ऐसा। तो ऐसे थे दर्शन, बहुत अच्छे से हुए। तो अभी उतरना स्टार्ट करते हैं। तो अभी हम जा रहे हैं नीचे की ओर, और ये जो गेट है इधर से हम कमंडल कुंड की ओर जाएंगे। अभी कमंडल कुंड को आपको कैसे बताऊं कि ये जो संस्था है जो वो कितने सालों से, जहाँ से मैं जानता हूँ उससे पहले भी ये संस्था इधर जो लोग दत्तात्रेय के भगवान के दर्शन करते हैं उन लोगों को ये लोग खाना खिलाते हैं और अच्छे से लंगर करते हैं। मतलब इधर आप सोच भी नहीं सकते कि कैसे ये लोग सामान पहुंचाते होंगे। तो अभी हमने इधर शीरा खाया, खमन ढोकला खाया, और रोटी राइस और दाल तो थी। तो अभी भर पेट खाना खाने के बाद अभी हम ऊपर की ओर वापिस चल देते हैं, क्योंकि अभी टाइम हो गया था, 1 बज गए थे, और अभी हमको जाते जाते शायद 3-4 घंटे का टाइम लग ही जाएगा। तो अभी हम 100-200 सीढ़ियाँ चढ़ के गुरु दत्त द्वार है वहाँ तक पहुँच गए थे। तो अभी इस बार दर्शन कर लेते हैं इधर से भगवान दत्तात्रेय का, और आगे बढ़ते हैं। कुछ पैरों की हालत ऐसी हुई थी कि 5-6 सीढ़ियाँ चढ़ के ही पैर काँपने लगते थे और भारी भी हो गए थे। तो अभी स्पीड बहुत कम हो गई थी, क्योंकि अभी ये चढ़ाई है, तो अभी तो बहुत धीमे धीमे ऊपर चढ़ रहे थे, मतलब जहाँ 10-15 सीढ़ियाँ चढ़ के रेस्ट लेते। तो अभी आगे बढ़ते बढ़ते हम 300-400 सीढ़ियाँ आगे चढ़े होंगे, और फिर भी अभी इधर से गुरु गोरखनाथ टूक तक देखते ही जो चढ़ाई है वो मालूम पड़ती है कि कितनी सारी सीढ़ियाँ अभी भी बाकी है। तो ये बहुत मुश्किल होगा, और मुश्किल भी था। तो इधर से हम देखते हैं कि ये जो कमंडल कुंड है उधर पीछे कुछ टंकियाँ बनी हुई है, जो ये लोग हैं बारिश का पानी उनमें स्टोर करते हैं, तो वो पूरी सीज़न के लिए चल जाता है, और पीने के लिए सब भक्तजनों को प्रसाद के साथ पानी पिलाते हैं। तो अच्छा है, ये इधर से ही हमने सीखा है कि पानी बचाए और जमा करके बारिश का पानी रख सकते हैं हम लोग। तो इधर आप देख रहे हैं कि ये कुछ सीढ़ियों के अवशेष है जो पुरानी वाली होंगी इधर शायद। ये तो मैंने पहली बार ही देखा, 2-3 बार मैं आ चुका हूँ, पर ये मेरे ध्यान में भी अभी ही आया कि इधर देखते हैं कि जो ये सीढ़िया है उससे भी पुराने सीढ़ियों के कुछ अवशेष बने हुए हैं। तो उससे भी पहले सीढ़ियाँ बनी हुई थी, बहुत अचंभित बात है ये सब।
तो अभी हम फाइनली गुरु गोरखनाथ टूक तक पहुँच चुके हैं, मतलब जो अभी चढ़ाई थी वो सारी ख़त्म हो चुकी थी। तो अभी इसके आगे कुछ उतरना ही चालू करना था, मतलब सब जहाँ तक हम जाएंगे वहाँ तक उतरना ही था, चढ़ना अभी ख़त्म है। तो अभी इससे आगे बढ़ते हैं और अंबाजी के लिए निकलते हैं। आज तो कुछ वेदर ने भी हमारा साथ दिया, अच्छे से साथ दिया, क्योंकि आज पूरे दिन जो धूप निकली ही नहीं है और पूरे दिन जो बादल है वो छाए ही रहे हैं, मतलब छाँव ही रहा है। तो इस वजह से क्या है कि हमको ठंडे वातावरण में चढ़ने का मज़ा आया। तो अभी हम वापस पहुंच चुके हैं जहां जो रोपवे का वेटिंग एरिया है अंबाजी। तो ये भी अंबाजी मत का मंदिर भी दिख गया है। तो थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद हम आगे बढ़े। तो अभी भी अम्बा माता के दर्शन कर लेते हैं और आगे बढ़ते हैं उतरने की ओर। तो अभी कुछ आराम करने के वक्त हमने कुछ रोपवे को जाते देखा, तो हम थोड़ा अंदर जाके उनका वीडियो लेने अंदर आ गए थे। तो ये थोड़ा सेटिस्फाइंग लगता है कि धीमे 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 जो रोपवे का जो है डिब्बा वो ऊपर चढ़ता है, और हम पूरे दिन की चढ़ाई चढ़े उतरे चढ़े ऐसा करके हम इधर पहुँचे थे। तो ये है कि जो हमको सिर्फ 10 मिनट के अंदर ऊपर पहुँचा देता है, टेक्नोलॉजी है ना अभी की। तो चलिए नीचे चलते हैं, अभी जो जैन देरासर है वो दिखने लगे हैं। तो अभी कुछ इधर से जैन देरासर 500-700 ही सीढ़ियाँ है। तो हम धीमे धीमे नीचे की ओर बढ़ रहे थे आगे। तो अभी सुबह के मुकाबले भीड़ बहुत ही कम हो गई थी, क्योंकि अभी चढ़ने वाले कम थे तो उतरने का ट्रैफिक भी उतना नहीं दिख रहा था, क्योंकि कई लोग ऐसे हैं कि रिटर्न में रोपवे में चले गए थे। तो इधर कुछ खाने के लिए बना रहे थे कि हम लोग कोई खाना चाहते हैं तो उधर खा सकते हैं। तो अभी आगे बढ़ते बढ़ते हम सुबह जहाँ से निकले थे गौमुखी गंगा मंदिर तक पहुंच चुके थे। तो अभी इधर हम थोड़ी देर रेस्ट करते हैं और उधर से वापस आगे चलते हैं। तो थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद हम अभी आगे बढ़ के जैन देरासर पहुंच गए हैं। तो अभी कुछ दिक्कत ऐसी हुई है, हम उतरने के वक्त जाना चाहते थे भरत वन की तरफ से, पर अभी जो हमारी फैमिली है वो अभी जटाशंकर दर्शन कर चुके हैं, तो हमें इधर से भी आगे 2 घंटे लगने वाले थे। तो हमने उधर से जाने का प्लान कैंसिल करके इधर से आगे से जहाँ से आए थे वहाँ से उतरना स्टार्ट किया, क्योंकि अभी ऐसा था कि चिराग भाई को पैर में कुछ दिक्कत हो रही थी, क्योंकि पेन हो रहा था वो थोड़ा कम स्पीड से चल सकते थे। तो अभी धीमे धीमे हम इधर से ही आगे बढ़ते हैं। ये जहाँ से हम सुबह निकले थे वहीं सब आने लगा था अभी। उतरना आसान है ऐसा भी नहीं बोल सकते, क्योंकि जब आप इतनी सारी सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर गए होते हैं तो आपके पैर और सब आपकी कमर सब पेन करता है। तो उतरते वक्त भी उधर कुछ वाइब्रेशन जैसा आता है कि आप उनको फील करते हैं और पेन करता है सब जो अपने जॉइंट्स है वो सब। तो अभी ऐसा था कि हम अभी जैन मंदिर से कुछ 900 सीढ़ियाँ नीचे आए थे और अंबाजी से 1900 और दत्तात्रेय से 6900। तो अभी नीचे की ओर बाकी थे कुछ 3100-3200 सीढ़ी। तो जब जा रहे थे ऊपर की ओर तो 3100 सीढ़ी काटने के बाद ऐसा लग रहा था कि अभी बहुत सारा बाकी है। तो अभी उतरने के वक्त ऐसा लगता है कि अभी तो कुछ नहीं है, पर ये उतरने के लिए भी हमको 1.5-2 घंटा लग जाएंगे, क्योंकि अब बहुत थक गए। तो ये अभी हम वापस पहुंच चुके हैं गिरनार गली। जब जाते वक्त मैंने आपको बताया था कि ये सेम टू सेम मेरे को ऐसे लगता है कि ये जो उत्तराखंड वाली गर्तंग गली है वैसा है, और ये है अपनी गिरनार गली। तो अभी तो हम कोई ना कोई बहाने से चाय पीना या नींबू पानी पीना या पानी पीना
रुक रहे थे, आराम कर रहे थे, रेस्ट कर रहे थे। तो अभी तो हमारे पैर भी पूछ रहे थे कि कब तक पहुँचेंगे, कब तक पहुँचेंगे, कितना बाकी है, क्योंकि वो भी अभी ज़्यादा थक गए थे। तो मैं थोड़ा आगे आगे चल रहा था और चिराग भाई पीछे धीरे धीरे आ रहे थे। तो अभी इधर बैठ के रेस्ट करते हैं। ये देखिए कहाँ से हमने स्टार्ट किया था और कितना सारा उतर के हम नीचे की ओर पहुँच गए। अभी रोपवे तो अभी भी चल ही रहा है। ये कुछ बंदर रास्ते में आ गए थे और उछल कूद कर रहे थे। ओ ओ भाई, पीछे डरा ही देते हैं ये सब। थोड़ा आगे जाके रुकते हैं। बहुत सारे हैं, पूरी फैमिली लगती है इसकी। तो अभी कुछ सीधा रास्ता दिख रहा था कि दो तीन स्टेप्स उतरते हैं बाद में सीधा आता है, दो तीन चार स्टेप्स उतरते हैं बाद में सीधा। अभी मैदान भी दिखने लगा है। तो अभी ऐसा है कि हम बहुत ही नज़दीक नीचे की ओर पहुंच रहे हैं। अभी कुछ शायद मेरे को लगता है कि 300-500 सीढ़ियाँ रही होगी। तो ये भी हम अभी तो उतर ही जाएंगे। ये जब हमने स्टार्ट किया था वो मार्केट भी आ गया है। तो इधर अब कुछ लकड़ियाँ साथ में ले गए होते हैं तो इधर आप वापस जमा कर सकते हैं और अपना कुछ रिफंड वापस ले सकते हैं। तो ऐसे थी हमारी गिरनार की जर्नी। ये कुछ लोकल लोग आए हैं इधर घूमने फिरने, इधर तक आते हैं। तो होप करते हैं आपको गिरनार कुछ इंटरेस्टिंग लगा हो या कुछ आध्यात्मिक लगा हो। तो जैसे भी आपको पसंद आया हो, अगर आपको पसंद आया है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं कुछ अगले नए व्लॉग में। बाय बाय, थैंक यू।